Hello students, all of you are welcome to examstation YouTube channel. I am Ravi and I am going to teach you English. Indian Air Force X and Y group complete crash course ki series mein aaj hamare paas agli video hai. Noun part of speech ka first topic noun aaj hum padhenge. To part of speech jaise ki humne pichli video mein dekha, पर इसको दोबारा रिवीजन कर लेते हैं. पार्ट ऑफ स्पीच इज प्राइमरी कैटेगरी ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू दियर फंक्शन इज सेंटेंस. तो पार्ट ऑफ स्पीच कुछ नहीं होता, वर्ड्स के टाइप्स होते हैं, जो 8 टाइप्स हमने पहले ही आपको बताए हुए हैं. द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द कैटेगरी टू विच डिफरेंट वर्ड्स आर असाइंड बेस्ड ऑन दियर मीनिंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन द सेंटेंस. तो वाक्य के भाग या पार्ट ऑफ स्पीच वे श्रेणियाँ हैं जो, या वे शब्द हैं जो उनके अर्थ संरचना है वाक्य में कार्य के आधार पर वाक्य में निर्दिष्ट किए जाते हैं. तो पहला पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास आता है नाउन. तो नाउन क्या होता है? नाउन आर वर्ड्स दैट आइडेंटिफाइड और नेम अ पर्सन प्लेस और थिंग. संज्ञा ऐसे शब्द हैं जो किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान की पहचान करते हैं, या कहें सरल भाषा में नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग. यानी कि संज्ञा किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पर्सन में हम एग्जाम्पल देखें तो नेहा एक लड़की का नाम है, बॉय एक जाति का नाम है या कहें कि कॉमन नाउन है. एलिफेंट, ईगल, ईटीसी. प्लेस में हमारे पास रिवर, रोड, दहली, पार्क, कॉलेज, ये सभी प्लेसेस के नाम हैं. थिंग्स के नाम में हमारे पास, या थिंग्स के नाउन में हमारे पास बुक्स, चेयर, पेन, पेपर आदि आते हैं. तो नॉर्मली नाउन के तो 5 टाइप होते हैं. फर्स्ट इज कॉमन नाउन, सेकंड इज प्रॉपर नाउन, थर्ड इज कलेक्टिव नाउन, फोर्थ इज मटेरियल नाउन, फिफ्थ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. हिंदी में हम इनको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा. तो पहली हमारे पास आती है कॉमन नाउन, या कहें जातिवाचक संज्ञा. नाउन दैट आइडेंटिफाइज जनरल पीपल प्लेस और थिंग आर कॉल्ड कॉमन नाउन. यानी कॉमन नाउन वे होती हैं जो सामान्य व्यक्ति वस्तु स्थान की पहचान करती हैं. यानी कोई भी व्यक्ति वस्तु स्थान हो जिसका सामान्य नाम होता है वही कॉमन नाउन होती है. नेम और आइडेंटिफाई विच इज़ कॉमन अमोंग अदर्स. यानी कि जो सारी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं उनमें जो कॉमन होता है वही कॉमन नाउन होता है. एग्जाम्पल के तौर पर एक्टर, एक्टर बहुत सारे होते हैं लेकिन उनमें कॉमन क्या है, वो एक्टिंग करते हैं यानी एक्टर हैं. बॉय, गर्ल, राइटर, राइटर भी बहुत होते हैं. तो ये उनकी एक तरह से हम जाति कह सकते हैं, इसीलिए हम हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. यानी सब में एक चीज़ कॉमन होती है कि वो राइटिंग करते हैं, तो राइटर. हॉर्स, सारे घोड़े हॉर्स. काव, एलिफेंट, ईटीसी. ऐसे ही सिटी, सिटी बहुत तरह की होती हैं पर हर किसी में क्या कॉमन है कि वो सिटी है, टाउन है, कंट्री है. थिंग्स में हमारे पास आते हैं बुक, चेयर, विंडो, ईटीसी. तो सेकंड हमारे पास जो संज्ञा आती है वो आती है प्रॉपर नाउन. नाउन दैट आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड एब्सोल्युटली यूनिक पर्सन प्लेस और थिंग. यानी संज्ञा जिनका प्रयोग हम किसी अनन्य व्यक्ति यानी कि किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान की स्पेशल पहचान करते हैं या यूनिक पहचान कर लेते हैं, कि उसको हर एक चीज़ से अलग कर देते हैं या उसको डिवाइड कर देते हैं, तब हम उसका जो नाम रखते हैं वो प्रॉपर नाउन होता है. दे आर सिग्निफाइड बाई कैपिटल लेटर्स नो मैटर वेयर दे अपीयर इन अ सेंटेंस. तो उनकी हम सिग्निफाइंग, या कहें कि उनका एक साइन होता है कि वो कैपिटल लेटर्स से यूज़ होते हैं, चाहे वो सेंटेंस में कहीं भी हो. उन्हें बड़े अक्षरों से दर्शाया जाता है, चाहे वे किसी भी वाक्य में कहीं पर दिखाई दें. एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमने कॉमन नाउन में पढ़ा था एक्टर, तो एक्टर को जब हम स्पेसिफाई करें तो उसमें एक प्रॉपर नाउन आती है अमिताभ बच्चन. यानी कि हम उसको एक नाम दे रहे हैं कि ये स्पेशल यूनिक एक्टर है. ऐसे ही बॉय एक जाती है, उसमें हमारे पास आती है आकाश, मेगा. ऐसे ही राइटर, राइटर कौन है, जेके रोलिंग. तो राइटर बहुत हैं पर हमने उसको नेम दे दिया कि हम कौन से राइटर की बात कर रहे हैं, या कहें यूनिक पर्सन की बात कर रहे हैं. तो जैसे कि सिटीज़ में इंडिया, सिटीज़ में जयपुर और इंडिया हमारी कंट्री. तो इंडिया हमने स्पेसिफिक कंट्रीज़ की एक जाति में, या कहें कि कॉमन नाउन में से हमने प्रॉपर नाउन बनाने के लिए उसका एक
स्पेसिफिक नाम दे दिया। ऐसे ही हैरी पॉटर एक स्पेशल बुक का नाम है, यानी यूनिक चीज़। आगे चलते हैं, हमारे पास आती है कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन्स आर नाउन्स दैट रेफर्स टू अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ मल्टीपल पीपल एनिमल और थिंग्स, या किसी भी चीज़ हो, कोई भी हो। समूहवाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा होती है जो कई लोगों, जानवरों, चीज़ों के संग्रह या समूह को संदर्भित करते हैं। हम किसी भी चीज़ की बात कर रहे हैं, उसका अगर समूह को बात कर रहे हैं तो हम कलेक्टिव नाउन की बात कर रहे हैं। दे फंक्शन एज सिंगुलर नाउन इन अ सेंटेंस, दिस इज बिकॉज दे आर टेक्निकली रेफरिंग टू वन थिंग, द ग्रुप एज अ होल। तो इसका अर्थ है कि वे वाक्य में एक वचन संज्ञा के रूप में कार्य करते हैं। कलेक्टिव नाउन यूजली एक वचन संज्ञा के रूप में या सिंगुलर नाउन के रूप में सेंटेंस में प्रयुक्त होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वे तकनीकी रूप से किसी एक ही बात का जिक्र कर रहे हैं, यानी हम उस समूह की एक साथ बात करते हैं तो वो सिंगुलर नाउन के रूप में आता है। जैसे आर्मी में हम किसी एक एक बंदे को या एक एक आर्मी ऑफिसर को नहीं चुनते, हम सीधी आर्मी बोलते हैं, यानी कलेक्शन ऑफ आर्मी ऑफिसर्स। पुलिस ऐसे ही बहुत सारे पुलिस, हवलदार, सब इंस्पेक्टर, सब लोगों को हम एक साथ पुलिस बोलते हैं। पार्लियामेंट में सारे MLAs होते हैं, पर पार्लियामेंट एक सिंगल नाउन के रूप में यूज होता है क्योंकि वो कलेक्टिव है, किसका, MLAs का और हमारे मिनिस्टर्स का टीम। किसी व्यक्तियों की टीम बनाए तो हम टीम भी एक कलेक्टिव नाउन के अंदर आती है। बैंड ऑफ म्यूजिशियन, बंच ऑफ कीज, हर्ड ऑफ स्पीच। फोर्थ हमारे पास टाइप नाउन आती है मटीरियल नाउन, या हिंदी में कहें तो पदार्थवाचक संज्ञा। मटीरियल नाउन आर द नेम ऑफ मटीरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, सच एज सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉटन, डायमंड, प्लास्टिक, etc. यानी मटीरियल नाउन वे शब्द हैं या उन चीज़ों या सामग्री या पदार्थों का नाम है जिनसे हम विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाते हैं, यानी कि जो फंडामेंटल पुरानी जो चीज़ें हैं जिनसे पहले कुछ नहीं है, उन चीज़ों से ही सारी दुनिया में चीज़ें बनी हुई हैं, यानी चांदी, सोना, लोहा, कपास, धान, मिट्टी, ये सारी चीज़ें मटीरियल नाउन के अंदर आती हैं। आयरन, कॉपर, प्लास्टिक, कॉपर, वुड, ये सारे इसके एग्जांपल हैं। इसको हम सेंटेंस में यूज करें तो प्रोटीन इज क्रिटिकल फॉर एनर्जी, तो प्रोटीन हमारा एक फंडामेंटल थिंग है, या कहें कि मटीरियल है जिससे हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स बनते हैं, बॉडी चलती है। फाइव हमारे पास नाउन आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, या कहें भाववाचक संज्ञा, जिसमें भाव का प्रयोग होता है। तो डेफिनेशन देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एज दियर नेम इम्प्लाइज नेम इंटेंजिबल थिंग्स, इंटेंजिबल यानी अमूर्त चीज़ें जिनको देखा सुना ना जाए, सिर्फ उनको महसूस किया जाए, सच एज कॉन्सेप्ट, आइडियाज, फीलिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट, क्वालिटी, etc. यानी भाववाचक संज्ञा वे होती हैं अमूर्त चीज़ें जो अवधारणा, विचार, भावनाएं आदियों का नाम होती हैं। जिनमें कॉमन चीज़ क्या है, दे कैन नॉट बी सीन, ओनली फेल्ट, तो हम उनको देख या छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। तो एग्जांपल्स में फीलिंग्स हमारे पास आती हैं, जैसे लव, हेट, घृणा, एंगर, गुस्सा, क्वालिटी, स्ट्रेंथ, ताकत, पिच, टोन, इनोसेंस, ब्यूटी, etc. स्टेट में हैप्पी, खुश, उदास, ऐसे ही। वैसे तो टिपिकल हमारे पास फाइव टाइप्स के नाउन हो गए, लेकिन कुछ और भी नाउन्स होते हैं, इनको हम नाउन को उसमें डिवाइड कर सकते हैं। इसमें पहला आता है कंपाउंड नाउन। तो कंपाउंड नाउन क्या होता है, कंपाउंड नाउन इज अ नाउन कंपोज्ड ऑफ टू और मोर वर्ड्स वर्किंग टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट टू नेम अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो कंपाउंड नाउन या यौगिक संज्ञा हिंदी में कहते हैं, एक संज्ञा है जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक व्यक्ति, स्थान या चीज का नाम रखे, या एकल इकाई के रूप में काम करती है। तो कंपाउंड नाउन दो या दो से अधिक संज्ञाओं को ही मिलाकर एक नई संज्ञा बनाई जाती है। जैसे कि नीचे लिखा है, कंपाउंड नाउन्स आर यूजली मेड अप ऑफ टू नाउन्स और एन एडजेक्टिव एंड नाउन। इसमें भी हमारे पास दो टाइप होते हैं, कंपाउंड नाउन बनाने के लिए हम या तो दो नाउन्स को यूज कर सकते हैं या एक नाउन और एक एडजेक्टिव को यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें टू नाउन्स का एग्जाम्पल दिया गया है, वाटर प्लस बोटल, वाटर बोटल। तो वाटर एक अलग नाउन है, बोटल एक अलग नाउन है, लेकिन उन दोनों को कंबाइन करें तो एक नाउन नहीं, कंपाउंड नाउन बनती है हमारे पास, है बॉटल यूज फॉर वाटर, जिसका अर्थ है कि वो बॉटल सिर्फ वाटर के लिए यूज होती है। तो जैसे कि अगर हम इसमें एडजेक्टिव और नाउन का एग्जांपल लें, तो जैसे अ ब्यूटीफुल पेन,
तो ब्यूटीफुल एक हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, पेन एक हमारे पास कॉमन नाउन है, तो हम उन दोनों को अगर मिला दें तो हमारे पास ब्यूटीफुल पेन एक कंपाउंड नाउन बनती है। आगे हमारे पास नाउन के टाइप आते हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो ये क्या होती हैं? काउंटेबल नाउन आर नाउन्स दैट कैन बी कंसिडर्ड एज इंडिविजुअल सेपरेबल आइटम्स विच मीन्स दैट वी आर एबल टू काउंट दैम। तो गणनीय संख्या या काउंटेबल नाउन वे होती हैं जिनको हम सीधे सीधे कहें तो गिनती कर सकें, उन चीज़ों की गिनती करने के सक्षम हों, उनको गिनतियों में लिख सकें या विभाजित कर सकें, वही काउंटेबल नाउन होती हैं। इसका एक नियम होता है दे वुड बी बोथ सिंगुलर प्लूरल, वो एक वचन भी हो सकती हैं बहुवचन भी हो सकती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल के तौर पर एक कप, दो कप, तीन कप, हम इसको चूज कर सकते हैं या कहें तो इसको डिवाइड कर सकते हैं, गिन सकते हैं, एक कप चुनी, दो कप चुनी, दो फोन से, 10 कप से या 5 फोन से, कुछ भी। अनकाउंटेबल नाउन, तो जैसे कि काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन कैन नॉट बी सेपरेटेड एंड काउंटेड एज इंडिविजुअल यूनिट और एलिमेंट्स। तो अगणनीय संज्ञा या अनकाउंटेबल नाउन को अलग अलग नहीं किया जा सकता, उन्हें व्यक्तिगत इकाई और तत्व के रूप में नहीं गिना जा सकता। यानी अनकाउंटेबल नाउन एक सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होती हैं, वो उनको बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। अनकाउंटेबल नाउन्स कैन नॉट टेक एन इंडेफिनेट आर्टिकल, यानी कि हम उन्हें इंडेफिनेट या सिंगुलर आर्टिकल नहीं दे सकते, एक, दो, तीन, ऐसे, नॉर कैन दे बी मेड प्लूरल, तो उन्हें बहुवचन भी नहीं बनाया जा सकता। एग्जाम्पल के तौर पर वुड यू लाइक टी, तो ये यहाँ पर सही जवाब दिया हुआ है वुड यू लाइक टी। अब इसको हम आर टी, टू टी, थ्री टी तो नहीं कह सकते, टी टी होती है। डू यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन को भी हम प्लूरल नहीं बना सकते, या ना ही उनमें हम कोई इंडेफिनेट आर्टिकल दे सकते हैं, ए या एन इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, वो बिना आर्टिकल के यूज होती है, ना ही उनको हम बहुवचन बना सकते हैं। तो हमारे पास अगला टॉपिक आता है नाउन में नॉमिनलाइजेशन, या कहें क्रिएटिंग नाउन्स। ये नाउन्स, वर्ब और हमारे अलग पार्ट ऑफ स्पीच के इंटरचेंज का नाम आता है कि नाउन हमारी किससे बन सकती है। नॉमिनलाइजेशन रिफर्स टू द क्रिएशन ऑफ नाउन फ्रॉम वर्ब्स और एडजेक्टिव, तो हमारी नाउन्स वर्ब से, एडजेक्टिव से बन सकती हैं। क्रिया और विशेषण संज्ञा के निर्माण को संदर्भित करता है नामकरण, इसका अर्थ है। वेन नाउन आर क्रिएटेड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच इट इज़ यूजली थ्रू द यूज ऑफ सफिक्स, लेकिन अगर हम किसी और पार्ट ऑफ स्पीच से नाउन बनाना चाहें तो आमतौर पर उसको प्रत्ययों के माध्यम से बनाना संभव होगा। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं माई फियोन्से इज एन एक्टर, तो मेरी मंगेतर एक कलाकार है। द वर्ब एक्ट, तो यहाँ पर हमने एक्टर नाउन कैसे बनाई, हमारे पास वर्ब थी एक्ट, जिसमें हमने और लगाया और सफिक्स लगाया, जिससे हमें हमारे पास एक्टर कॉमन नाउन बन के निकली। एक्ट एक क्रिया है या कहें वर्ब है, जिससे हमने एक्टर एक कॉमन नाउन बनाई। इसी प्रक्रिया को हम नॉमिनलाइजेशन या नामकरण कहते हैं। हिज एक्सेप्टेंस ऑफ द पोजिशन वॉज रिसीव्ड वार्मली, द वर्ब एक्सेप्ट बिकम्स द नाउन एक्सेप्टेंस। तो इस एग्जाम्पल में हमने एक्सेप्टेंस नाउन बनाई है, किससे बनाई है, वर्ब से, एक्सेप्ट वर्ब से। नाउन दोनों तरह की हो सकती हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर नाउन में हम किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान की बात करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर मैन, फुट, टूथ, ईटीसी, एक व्यक्ति, एक पैर, एक दांत आदि। प्लूरल नाउन में हम व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट टू और मोर पीपल, प्लेस और थिंग, वी यूज प्लूरल नाउन। तो प्लूरल नाउन वो होती हैं जहाँ पर हम एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान की बात करते हैं, तो मैन, फीट, टीथ, ईटीसी। मस्कुलिन और फेमिनिन नाउन, नाउन हमारे पास मस्कुलिन भी होती हैं, फेमिनिन भी होती हैं, स्त्रीलिंग भी होती हैं, पुल्लिंग भी होती हैं। नाउन्स यूज फॉर मस्कुलिन जेंडर इज मस्कुलिन नाउन, जैसे बॉय, मैन, सौरभ, पेज, ईटीसी, ये हमारी मस्कुलिन नाउन है। फेमिनिन नाउन जो हमारी फेमिनिन जेंडर को रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे गर्ल, वुमेन, रिया, पेंसिल आदि। तब हमारे पास आते हैं रूल्स ऑफ नाउन। वैसे तो रूल्स ऑफ नाउन बहुत हैं, पर हम यहाँ पर 9 से 10 रूल्स ऑफ नाउन को पढ़ेंगे, बाकी के रूल्स ऑफ नाउन हम आगे प्रैक्टिस में पढ़ेंगे। तो पहला हमारे पास रूल्स ऑफ नाउन है, आर्टिकल आर नॉट यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन, यानी कि मटेरियल नाउन जो होती हैं उनसे पहले आर्टिकल्स यूज नहीं कर सकते, यानी तो ये एक रूल है।
तो उसका अर्थ बिगड़ जाएगा, सिंटेक्स खराब हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे द गोल्ड इज यूज्ड इन ज्वेलरी, तो हम गोल्ड के आगे द का यूज नहीं कर सकते, गोल्ड इज यूज्ड इन ज्वेलरी ये सही शब्द है। सेकंड हमारे पास रूल आता है मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर नॉट यूज्ड इन प्लूरल, यानी मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती हैं वो हमारी बहुवचन के रूप में यूज नहीं हो सकती। जैसे केयर्स किया कहें कि हम केयर्स इज केयर्स ऑफ द ओल्ड इज नेसेसरी, यानी पुरानी की संबद्धता जरूरी है, या कहें सास हमारी जरूरी है, तो केयर ऑफ द ओल्ड नेसेसरी, तो यहाँ पे हम ई एस यहाँ पे नहीं लगा सकते या कहें कि बहुवचन नहीं बना सकते। प्रॉपर नाउन आर समथिंग यूज एज कॉमन नाउन, तो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह यूज हो सकती हैं, या कहें कि हम उनको अगर एक शब्द कॉमन नाउन की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर समुद्रगुप्त इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, तो नेपोलियन में जो गुण थे या उससे उसने अपनी एक जाति भी बना सकती है, कि प्रॉपर नाउन एक जाति भी हो सकती है अगर उसी जैसा कोई व्यक्ति और हो। तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है, यानी कि प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाया गया है। सेकंड एग्जांपल है कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, शेक्सपियर एक अलग व्यक्ति है पर उसकी जाति में कालिदास भी शामिल होता है, यानी कि उसकी कॉमन जो हम दोनों के अंदर कॉमन क्या है कि वो राइटर थे, अच्छे राइटर थे, तो शेक्सपियर के अंदर कालिदास की जाति का भी यूज हो सकता है। तो भले ही शेक्सपियर प्रॉपर नाउन है पर हम उस जगह पे कालिदास को कॉमन नाउन की तरह यूज कर सकते हैं। इन दिस टू सेंटेंस द प्रॉपर नाउन नेपोलियन एंड शेक्सपियर आर यूज्ड एज कॉमन नाउन, वैसे वो हमारे पास प्रॉपर नाउन ही है लेकिन जब वो गुण सेम हो जाते हैं या कहें कि उनकी कुछ ना कुछ चीज़ कॉमन मिलती है तो उसको कॉमन नाउन की तरह यूज भी किया जा सकता है। अगला नियम है कलेक्टिव नाउन्स यूजली टेक अ सिंगुलर वर्ब और सब्स्टिट्यूट बाई ए सिंगुलर प्रोनाउन, जो कलेक्टिव नाउन होती हैं दरअसल उनको हम सिंगुलर वर्ब या एकवचन क्रिया से ही प्रदर्शित कर सकते हैं और उनमें सिंगुलर प्रोनाउन ही यूज किया जा सकता है। द ज्यूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, भले ही से जैसा कि हमने रूल्स में पढ़ा था कि कलेक्टिव नाउन्स ज़्यादातर सिंगुलर ही होती हैं क्योंकि हम उस पर भले ही से वो कितना का भी ग्रुप हो पर उनमें सिंगुलर यूज होता है। तो द ज्यूरी हैज़ गिवन इट्स वर्डिक्ट, तो यहाँ पर इट जो हमारे पास प्रोनाउन है और क्रिया है या कहीं वर्ब है वो भी हमारे पास सिंगुलर ही आएगी। द आर्मी हैज़ परफॉर्म वेरी वेल इन बेटर, अगला एग्जाम्पल हमारे पास। अगला हमारे पास रूल्स आता है कलेक्टिव नाउन्स टेक अ प्लूरल वर्ब एंड सब्स्टिट्यूटेड बाई अ प्लूरल प्रोनाउन व्हेन द ग्रुप मेंबर्स डू नॉट बिहेव एज द होल बट टेक डिफरेंट डायरेक्शन, ये पुराने वाले जो पहला रूल है हमारे पास उसी का विस्तृत रूप है कि कलेक्टिव नाउन में के अंदर जब वे ग्रुप एज अ होल की तरह बिहेव नहीं करते, यानी ग्रुप मेंबर्स अलग अलग काम करते हैं या अलग अलग व्यक्ति दिखाते हैं कोई भी चीज़ अलग करते हैं, उनको हम ग्रुप एज अ होल की तरह प्रदर्शित नहीं कर सकते जब हम उनको प्लूरल नाउन दे सकते हैं या प्लूरल वर्ब भी हम उनको दे सकते हैं। जैसे जो ज्यूरी है इज आर डिवाइडेड एंड इट्स दियर डिसीजन, यहाँ पे इज एंड इट्स क्यों काटा गया है, पहले नियम के हिसाब से सही था पर लेकिन यहाँ पर उनके जो ज्यूरी के जो मेंबर्स होते हैं उनके वर्डिक्ट या डिसीजन बट गए, तो उनको हम ग्रुप एज अ होल के रूप में यूज नहीं कर सकते, एक साथ हम उनको प्रदर्शित नहीं कर सकते। जैसे ही सेकंड है भले ही से द मिनिस्ट्री आर मच डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन रिगार्डिंग द फॉरेन पॉलिसी, तो कोई फॉरेन पॉलिसी आई मतलब संसद में तो उसमें जो मिनिस्ट्रीज थी वो अलग अलग अपने डिसीजंस में बट गई या ओपिनियन में बट गई, तो हम उनको एक सिंगुलर के रूप में नहीं ले सकते, यहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन और प्लूरल वर्ब भी यूज होंगे। कलेक्टिव नाउन्स इवन व्हेन दे डिनोट लिविंग बीइंग्स आर कंसीडर्ड टू बी न्यूट्रल जेंडर, और कलेक्टिव नाउन्स के लिए अगला नियम है कि जब वो लिविंग बीइंग्स के लिए यूज होती हैं आर कंसीडर्ड टू बी न्यूट्रल जेंडर, तो वहाँ पर एक जेंडर न्यूट्रल होता है, यहाँ पर वो जो हमारे पास दोनों टाइप की दोनों जेंडर के टाइप की नाउन होती है फेमिनिन एंड मस्कुलिन, लेकिन जब कलेक्टिव नाउन लिविंग बीइंग्स के लिए आती है तो यहाँ पर न्यूट्रल जेंडर यूज होता है। इंडिया इज़ अ बिग कंट्री एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी, तो यहाँ पर न्यूट्रल जेंडर है, ना तो मस्कुलिन जेंडर आया है और ना ही फेमिनिन जेंडर। यंग चिल्ड्रंस एंड लोअर एनिमल्स आर ऑल्सो रेफर्ड एज न्यूट्रल जेंडर, तो ये यंग चिल्ड्रन जो होते हैं और लोअर एनिमल्स उसको भी हम न्यूट्रल जेंडर के रूप में यूज होती है।
Baby started crying when it was hungry. The lizard lost its tail when it was fattened. अगला नियम हमारे पास आता है when objects without life are personified they are considered either of masculine or of feminine gender. लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट को एक लिविंग लाइफ के साथ पर्सनल कर देते हैं या उसको स्पेसिफिक कर देते हैं तो वो या मस्कुलिन होता है या फेमिनिन जेंडर होता है. तो मस्कुलिन जेंडर के लिए तो ये शब्द उसमें होने चाहिए या इससे हम उनका प्रयोग देख सकते हैं कि मस्कुलिन जेंडर कहाँ यूज होगा. तो मस्कुलिन जेंडर इज यूज्ड फॉर स्ट्रेंथ वायलेंस एंगर वीगेंस इट इज विद सन डेथ विंटर समर. यानी इन शब्दों के साथ मस्कुलिन जेंडर ही यूज होगा. एग्जाम्पल के तौर पर नेचर हैज टेकन इज वीगेंस बाई क्लेमिंग लिव्स ऑफ 100%. अगला हमारे पास रूल्स आता है यूनिट ऑफ काउंटिंग इट मीन्स पेयर डजन स्कोर 100,000 etc. व्हेन यूज्ड आफ्टर नंबर्स रिटन इन द सिंगुलर फॉर्म. यूनिट ऑफ काउंटिंग पेयर डजन स्कोर 100,000 व्हेन यूज्ड आफ्टर नंबर्स. जब हम इनसे पहले किसी नंबर का यूज करते हैं या इनको ऐसे स्पेसिफाई करते हैं कि कितने डजन हैं कितने पेयर हैं कितने स्कोर हैं तो ये सिंगुलर फॉर्म में आ जाते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर आई बॉट 2 dozen ऑफ एग्स. तो जब हमें डजन में भले ही से हमारे पास 12 होते हैं या 12 की गिनती होती है तो वो प्लूरल आना चाहिए लेकिन रूल्स के हिसाब से जब उसमें 2 का प्रयोग कर देते हैं वो डजन कलेक्टिव नाउन में चला जाता है. तो कलेक्टिव नाउन में डजन सिंगुलर फॉर्म में होता है. तो हमने उसमें स्पेसिफाई कर दिया कि कौन सी या कितने क्वांटिटी हमने स्पेसिफाई कर दी कितने डजन ऑफ एग्स. तो आई वॉट 2 dozen ऑफ एग्स. तो यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म यूज होगी नाउन की सिंगुलर फॉर्म यूज होगी. हेयर द क्वांटिटी इज मेंशन्ड बिफोर द डजन सो वी हैव इट्स सिंगुलर फॉर्म बाय द 2 dozen एग्स. माई ब्रदर बॉट डजन ऑफ एग्स फ्रॉम द मार्केट. यहाँ पे हमने डजन के आगे कोई नंबर यूज नहीं किया या कहें कि डजन को स्पेसिफाई नहीं किया कितने डजन. तो यहाँ पे डजन्स आया क्योंकि उसकी प्लूरल फॉर्म है. ये हमारा जो नियम है जब ये तब यूज होता है जब हम इन शब्दों के आगे कोई नंबर यूज करते हैं स्पेसिफाई करते हैं. अगर नहीं करते हैं तो प्लूरल फॉर्म में ही होगा. सम प्लूरल फॉर्म आर यूज्ड इन सिंगुलर लाइक न्यूज समन्स फिजिक्स इकोनॉमिक्स. कुछ प्लूरल फॉर्म ऐसी होती हैं जो सिंगुलर के रूप में यूज होती हैं भले से उन देखने में हमें लगती हैं प्लूरल लेकिन वो सिंगुलर ही होती हैं जैसे न्यूज समन्स फिजिक्स इकोनॉमिक्स या सब्जेक्ट के नाम आदि. थैंक्स फॉर वॉचिंग. आज की वीडियो में इतना ही. आगे हम रूल्स और पढ़ेंगे और कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. फीडबैक ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में. आप किसी को डाउट हो कोई भी चीज़ के बारे में ज़रूर पूछें. और अगली वीडियो के लिए हमारे एग्जाम स्टेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन अपडेट्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग. धन्यवाद.